गांव भालेरी में निर्माण कार्य के दौरान अड्डे से गिरने पर वार्ड पंच की मौत। पुलिस ने चूरू में करवाया शव का पोस्टमार्टम। चूरू जिले के भालेरी में निर्माण कार्य के दौरान काम करते वक्त अड्डे पर से गिरने से वार्ड पंच की मौत हो गई। भालेरी की सीएचसी में मोर्चरी नहीं होने की वजह से पुलिस को मृतक का पोस्टमार्टम चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में करवाना पड़ा, जिससे परिजनों और ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हुई। इधर भालेरी पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भालेरी सरपंच राजेंद्र कस्वा ने बताया कि नरेश कुमार भालेरी का वार्ड पंच था, जो बिल्डिंग लाइन का कार्यकर्ता था। भालेरी में ही जब वह पड़ोस के घर में बिल्डिंग लाइन का कार्य कर रहा था, तभी ऊंचाई पर लगाए गए अड्डे से वह असंतुलित होकर नीचे गिर गया। सिर में चोट लगने की वजह से नरेश कुमार की मौत हो गई। भालेरी सरपंच राजेंद्र कस्वा ने बताया कि भालेरी में मोर्चरी का अभाव है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जिला कलेक्टर, सीएमएचओ और बीसीएमओ को अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भालेरी में ये जो नरेश कुमार है, ये हमारी पंचायत का वार्ड पंच भी है भालेरी का, और ये बिल्डिंग लाइन का काम करता था। अपने पड़ोस में ही परिवार में बिल्डिंग लाइन का काम कर रहा था। ऊंचाई से वो फ्रांसी अड्डा था, वो लगा हुआ था, वहाँ पर खड़ा होकर काम कर रहा था। वो टूटने की वजह से नीचा गिरा ऊंचाई से, तो सिर में चोट लगने से इनके वहाँ चोट लगी। वहाँ से हम लेकर चूरू के ले निकले, तो इलाज से पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पर आए तो डॉक्टर साहब ने डेड घोषित कर दिया। तो बहुत बड़ी है, भालेरी में सीएससी का भवन बन चुका है, लेकिन मोर्चरी के अभाव में डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ मोर्चरी नहीं है, तो आपको पोस्टमार्टम के लिए तारानगर या चूरू जाना पड़ता है। और इसमें एक समस्या आती है कि यहाँ इलाज दौरान मृत्यु होती है, तब तो जो भी हॉस्पिटल होता है वहाँ हमारा जो भी मृतक है उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, लेकिन ब्रोडॉइड के मामले में डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो आपके सीएससी है उनके डॉक्टर ही आकर करेंगे। तो ये हमारी बहुत समस्या आती है, समय की समस्या होती है। कलेक्टर सर थे पहले, कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, सीएमएचओ सर को, बीसीएमएचओ सर को बार बार अवगत कराया इस मामले में, और जनप्रतिनिधियों को भी बार बार अवगत कराया है।